आज योगी ने अपनी अयोध्या चेकलिस्ट में कितने कामों पर इनका टिकट लगा दिया है। ब्राइट अयोध्या की कितनी इंस्पेक्शन साइट पर योगी अब तक पहुंच चुके हैं, योगी की टाइम मशीन ने अयोध्या का कैसा फ्यूचर देखा है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले ट्रायल रन के लिए योगी का ग्रीन सिग्नल मिल गया है, योगी के अयोध्या पहुंचने से पहले राम मंदिर का दिव्यता ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, हनुमानगढ़ी की परिक्रमा के बाद योगी ने अजय अभेद अयोध्या का सिक्योरिटी प्लान भी फाइनल कर दिया है। लेकिन योगी की चेकलिस्ट अभी लंबी है। अयोध्या के लिए योगी ने जो सोचा है किसी की भी सोच से बड़ा है। योगी आज की नहीं 10 साल बाद की अयोध्या को देख रहे हैं, तो कैसी होगी योगी की विराट अयोध्या? अयोध्या को दुनिया का टॉप सिटी बनाने के लिए योगी ने कितने दिन का टारगेट सेट किया है, आपको दिखाते हैं भविष्य की अवधपुरी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की आरती और परिक्रमा के बाद योगी का फाइनल इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। भगवान राम ने पवन पुत्र हनुमान को अपनी नगरी की रक्षा का जिम्मा दिया था, इसीलिए योगी की चेकलिस्ट में सिर्फ भव्य राम मंदिर और विराट अयोध्या ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सेफ सिटी का निर्माण भी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी को फाइनल करना है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर कितना तैयार है। 22 जनवरी को दुनिया को अयोध्या की कैसी तस्वीर दिखेगी, वेटिकन सिटी से भी ज्यादा महफूज कैसे होगी अयोध्या, अयोध्या में कितना काम हो गया पूरा और कितना है अधूरा। नवंबर 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी ने भव्य अयोध्या के निर्माण की चेकलिस्ट तैयार की थी। उस चेकलिस्ट में कितना काम पूरा हुआ और कितना बाकी है इसका इंस्पेक्शन वो लगातार कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद योगी सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राम मंदिर पहुंच गए। योगी की टाइमलाइन में 12 जनवरी तक यहां काम पूरा करने की डेडलाइन है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक में फैसला लिया गया है कि 12 से 15 जनवरी तक ट्रायल किया जाएगा। अगर आपका सवाल यह है कि योगी बार बार क्या देखने जा रहे हैं और क्या तैयारी करवा रहे हैं, तो इसकी एक झलक देख लीजिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर का ये वीडियो जारी किया है। ये राम मंदिर की अद्भुत दिव्यता की पहली तस्वीर है। राम मंदिर की सुंदरता अलौकिक है, इसकी दर्शनीय छवि मंत्रमुग्ध करती है, इसकी दिव्यता आपका मन मोह लेगी, इसकी मनोरम छवि हर किसी के दिल में उतर जाएगी। अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय अद्वितीय और अलौकिक राम मंदिर योगी की चेकलिस्ट में टॉप पर है। योगी बार बार यही देखने जाते हैं, इसकी सुंदरता ऐसी है मानो स्वर्ग उतर आया हो। सोचिए जब राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा तो दिव्यता कैसी होगी, लेकिन जब तक ऐसा होता नहीं योगी अपनी चेकलिस्ट पर मंदिर के आगे टिक नहीं लगाने वाले हैं। अब यह भी जान लीजिए कि अब तक कितना काम पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह तैयार है, यहां श्री राम का बाल स्वरूप स्थापित किया जाएगा। मुख्य प्रवेश द्वार जिसे सिंह द्वार भी कहा जा रहा है वो भी बनकर तैयार है। फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार है, मंदिर के चारों तरफ 732 मीटर की दीवार है। राम मंदिर कैंपस में परिकोटा भी बन रहा है जिसमें 6 मंदिर बनने वाले हैं। श्री राम कुंड यज्ञशाला बनकर तैयार है, कर्म क्षेत्र अनुष्ठान मंडप तैयार हो रहा है। प्रभु राम के गुरु के नाम पर गुरु वशिष्ठ पीठिका बनाई गई है। भक्ति टीला बन रहा है जहां प्रार्थना और ध्यान लगाने का काम होगा। भरत प्रसाद मंडप बना है जहां भगवान का भोग और प्रसाद तैयार होगा। पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स 70 एकड़ में बन रहा है, इसमें राम मंदिर 2.70 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है। मुख्य मंदिर के साथ 13 और मंदिर बन रहे हैं, इसी के साथ 3 पुराने टीलों और 2 मंदिरों का संरक्षण भी किया जा रहा है। मुख्य मंदिर में प्रवेश के लिए भव्य 12 द्वार बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास जलेसर से श्री राम मंदिर के लिए 2400 किलो का घंटा आया है और इस
घंटे का इस्तेमाल होगा श्री राम मंदिर में, रामलला के भव्य मंदिर में। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तरीके की चीजें जो पूरे देश भर से लाई जा रही अयोध्या में श्री राम मंदिर में लगाने के लिए, रामलला के जो भक्त होंगे वो आएंगे और इस बड़े घंटे को बाकायदा यहाँ पर बजाएंगे। जिस तरीके से पूरा घंटा आया है, निश्चित तौर पर जो श्रद्धालुओं की भक्ति है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, वो श्रद्धा इन विजुअल्स को देख करके समझी जा सकती है और ये विजुअल्स बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से लोगों की आस्था यहाँ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। राम मंदिर के बाद योगी की दूसरी इंस्पेक्शन साइट है टेंट सिटी। लाखों साधु संत और राम भक्त आएंगे तो उनके ठहरने का इंतजाम भी योगी की टॉप प्रायोरिटी है। अयोध्या में कैसी है योगी की टेंट सिटी और राम भक्तों को योगी क्या सुविधा देने वाले हैं ये भी जान लीजिए। अयोध्या में टेंट सिटी को अयोध्या विकास प्राधिकरण डेवलप कर रहा है। इस टेंट सिटी में राम भक्तों को कई लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। टेंट सिटीज डबल ऑक्यूपेंसी वाली लग्जरी और सेमी लग्जरी कैटेगरी स्वीट बेस्ड है। इन टेंट सिटीज में देश दुनिया के तमाम जायकों का स्वाद श्रद्धालुओं को मिल सकेगा, मगर इसमें सबसे विशिष्ट अवधि व बनारसी जायके होंगे। यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालुओं को मिलेट्स के बने पकवान, मक्के की रोटी, सरसों का साग समेत सीजनल साग सब्जियों की तमाम वैरायटी पेश की जाएगी। यहाँ डिटॉक्स वाटर की भी सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्सनलाइज्ड कुजीन प्रेफरेंस को भी तरजीह दी जाएगी। अयोध्या में कई जगहों पर टेंट सिटी का निर्माण लास्ट फेज में है। माजा गुप्तार घाट में 20 एकड़ में टेंट सिटी, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बाग विजेसी में 25 एकड़ में टेंट सिटी, ब्रह्मकुंड में 35 टेंट, रामकथा पार्क में भी 30 टेंट्स की सिटी, कार सेवकपुरम और मणिराम दास की छावनी में टेंट सिटी। योगी आदित्यनाथ की तीसरी इंस्पेक्शन लोकेशन है अयोध्या की सड़कें। इसका जिम्मा योगी ने पर्यावरण विभाग को दिया है। अयोध्या न सिर्फ ग्रीन और क्लीन होगी बल्कि प्लास्टिक फ्री होगी। रोज लाखों श्रद्धालु आएंगे, इसीलिए अयोध्या में वेस्ट मैनेजमेंट पर खास फोकस किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अयोध्या को प्लास्टिक फ्री बनाएं और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे लेगेसी वेस्ट हैं, जहाँ जहाँ कूड़े हैं उसको उठाएं, क्योंकि 22 तारीख के बाद, जैसा आप जानते हैं, कि पूरे विश्व से, भारत से लोग यहाँ पर आएंगे और एक चैलेंज के रूप में रहेगा कि हम सफाई कैसे बनाए रखें। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी नगर निगम ने प्लानिंग कर रखी है और नगर विकास विभाग इसके लिए पूरा एक बजट भी उन्होंने आवंटित किया है। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो जागरूकता फैलाने का बात है और जो हम लोगों की जो सहभागिता है जनता से, उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और निश्चित रूप में ये जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो एक अच्छा इम्प्रेशन लेके जाएं यहाँ से, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए प्रशासन तैयार है। अयोध्या के डेवलपमेंट और बुनियादी ढांचे के लिहाज से 8 कैटेगरी बनाई गई है, यानी योगी की चेकलिस्ट 22 जनवरी को खत्म नहीं होने वाली, अभी तो आरंभ है। अयोध्या के मेकओवर के लिए 85,000 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मास्टर प्लान 2031 के मुताबिक 10 साल में 85,000 करोड़ के निवेश से भव्य और विराट अयोध्या तैयार की जाएगी। ये अयोध्या ऐसी होगी जहां हर रोज 3 लाख राम भक्तों के शानदार स्वागत का इंतजाम होगा। इसके तहत 875 वर्ग किलोमीटर के अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाएगा। योगी की योजना ऐसी अयोध्या बसाने की है जो 21वीं सदी का एक विश्व स्तरीय शहर हो। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ग्रैंड अयोध्या के निर्माण का प्लान योगी ने किया है। भक्तों के लिए राम मंदिर खुलने के बाद अयोध्या में कई गुना भीड़ बढ़ जाएगी और योगी की टाइम मशीन फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग कर रही है और प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड टाउनशिप अयोध्या योगी का वही विजन है। अयोध्या में 1407 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनेगी। यहाँ आर्टिफिशियल झील से लेकर मठ, आश्रम, कॉटेज और 5-स्टार होटल होंगे। नई टाउनशिप में आवासीय भूखंडों के लिए लगभग 367 एकड़ जमीन होगी। ग्रुप हाउसिंग 93 एकड़ में होगी। मठों और आश्रमों के लिए 55 एकड़ जमीन मिलेगी। बाहरी देशों के गेस्ट हाउस के लिए 60 एकड़ जमीन दी गई है।
टाउनशिप में एक ऊंचा टावर भी बनेगा, जिससे श्रद्धालु राम मंदिर का वहीं से दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर तैयार होने के बाद अयोध्या में टूरिज्म 8 से 10 गुना बढ़ जाएगा। यूपी पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में अयोध्या आने वाले टूरिस्ट की संख्या 3,25,000 थी, जो 2022 में 85 गुना बढ़कर 2,39,00,000 हो गई है। अब मंदिर बनने के बाद टूरिज्म अगर 10 गुना बढ़ता है तो हर साल अयोध्या में 20 से 25 करोड़ टूरिस्ट आ सकते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में राम भक्तों को हैंडल करने के लिए अयोध्या में एयरपोर्ट रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार है। इस एयरपोर्ट को 1450 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन यह भी एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज है, जल्द ही दूसरा टर्मिनल बनकर तैयार होगा। फिलहाल एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 10 लाख यात्री प्रति साल है। सेकंड फेज पूरा होने के बाद ये क्षमता बढ़कर 60 लाख यात्री तक पहुंच जाएगी। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है। ये स्टेशन रोजाना 60,000 यात्रियों को हैंडल कर सकता है। करीब 241 करोड़ की लागत से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो आने वाले समय में अयोध्या सिर्फ धार्मिक स्थल बनकर नहीं रहेगा। अयोध्या प्रयागराज लखनऊ वाराणसी की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इस बीच दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अयोध्या का रुख कर रही हैं, जिससे ये शहर अब बिजनेस हब बनता जा रहा है। FMCG और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मिनरल वाटर कंपनी बिस्लरी ने अयोध्या में नया प्लांट लगा दिया है। यूपी का सबसे बड़ा निवेश अयोध्या में होने जा रहा है। ब्रिटेन की बड़ी कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल अयोध्या में डिफेंस की यूनिट लगाएगी। इसके लिए कंपनी ने 5 MOU साइन किए हैं। कुल निवेश 75,000 करोड़ का होगा। ये देश के किसी एक जिले में एक साथ होने वाला सबसे बड़ा निवेश है। लेकिन जब ऐसी अयोध्या होगी तो सुरक्षा कैसी होगी? अयोध्या यानी जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता, जो अजय है। इसीलिए योगी ने अयोध्या के लिए अभेद सुरक्षा की दीवार खड़ी की है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की सिक्योरिटी में 25,000 जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर के अंदर की सुरक्षा स्पेशल STF टीम के पास होगी। मंदिर के पास फिदाइन हमले को रोकने के लिए क्रैश रेटेड बोलार्ड लगाए जा रहे हैं। मंदिर के आसपास एरिया CCTV से लैस होगा। इतना ही नहीं, सरयू नदी में स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। मंदिर की सिक्योरिटी को 2 जोन में बांटा गया है, रेड और येलो। रेड जोन में राम मंदिर को रखा गया है, जबकि येलो में हनुमानगढ़ी और कनक भवन को रखा गया है। सिक्योरिटी प्लान पर करीब 100 करोड़ खर्च होंगे। हर 6 महीने में इसकी समीक्षा खुद गृह विभाग करेगा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है, किले बंद किया जा रहा है, और इसी तैयारियों का मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए थे। हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या के येलो जोन कार्यालय पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि रेड जोन कार्यालय भी है, येलो जोन कार्यालय भी है, और इन्हीं कार्यालय में बैठ करके समूची अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को तीसरी आंख के जरिए पुलिसकर्मी अपने सामने देखेंगे, और निश्चित तौर पर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में क्या बेहतर किया जा सकता है। ये ड्रोन कैमराज जो हैं, ये अत्याधुनिक ड्रोन कैमराज यहाँ पे लाए गए हैं, और ये हवा में जाएंगे और तीसरी आंख के जरिए बाकायदा बताएंगे कि किस तरीके से किस इलाके में क्या करने की जरूरत है। इसी कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अधिकारियों से फीडबैक लिया, कितने कैमरेज लगे होंगे, कहां कहां लगे होंगे, इनकी इंस्टॉलेशंस क्या होंगी, उनका जो चेहरा होगा वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा उन लोगों का जो दरअसल संदिग्ध हो सकते हैं। ये तमाम सवाल मुख्यमंत्री ने यहाँ जो टेक्नीशियंस थे, यहाँ जो प्रोफेशनल्स थे, पुलिस के अधिकारी थे, उनसे जवाब सवाल किए हैं। राम मंदिर परिसर को पुलिस ने रेड जोन में रखा है। कोई संदिग्ध चीज मंदिर तक ना जा पाए,